नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ जुयाल। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रियलिटी मीडिया के इस शो पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर जीएस भाकुनी जी, जो कि एक आम्रपाली इन्वेस्टर हैं और काफ़ी परेशान हैं अपने पोजीशन को लेकर। तो सर बताइए, सर आपने इन्वेस्टमेंट कब करा था? मैंने 2010 में इन्वेस्ट किया था, उसमें आम्रपाली के एक दो प्रोजेक्ट में अपने सन इन लॉ के लिए, विशाल शंकर तिवारी जो एब्रॉड में थे उस समय यूएस में, उनके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट लिए थे। एक मैंने लिया था सबसे पहले आम्रपाली का जोडियक ग्राउंड फ्लोर, जिसकी डिलीवरी अब मिल चुकी है बड़ी मुद्दत के बाद। दूसरा सेकेंडली मैंने लिया था नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली सेंचुरियन, और जिसकी 90% डिलीवरी पेमेंट हो चुकी है। 2010 में लिया था, बीच में कोर्ट केस की वजह से डिले हो गया था। उसके बाद एक लेटर आया था जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2015 जून में हम आपको डिलीवरी दे रहे हैं। 90% पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, 12th फ्लोर तक उनका टावर तैयार है, लेकिन उसके बाद काम बंद है। बीच में उनका लेटर आया था कि हम मिशन कंप्लीशन में पैसे दे दो हमें, हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ, हालांकि हमने नहीं दिए थे। सेकेंड प्रोजेक्ट मेरा है आम्रपाली हार्टबीट में, सेक्टर 107 में, जो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के लिए लिया था, वो हमारे साथ ही रहती है, इन सब का सुपरविजन मैं ही कर रहा हूँ। वहाँ भी मैं 90% पेमेंट कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ भी दूर दूर तक अभी डिलीवरी का कुछ पता नहीं है। ये प्रोजेक्ट ये वो लिया था हमने नवंबर 2011 में, और ये भी 15 जून में देना था, ये भी डिले है। वहाँ पर कोर्ट केस आया था उसकी, वहाँ तीन बिल्डर काम कर रहे थे, दो बिल्डरों ने कोर्ट केस के बाद अपना काम शुरू कर दिया है, इवन डिलीवरी देनी शुरू कर दी है, लेकिन आम्रपाली कोई काम नहीं कर रहा है। उसका एज इट इज ताला लगा हुआ है, जैसा था वैसे ही है। जाते हैं उनके पास और मतलब हर हफ्ते उनके ऑफिस जाते हैं, वो ऐसे ही झूठे आश्वासन देते हैं, अब होगा कब होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। निफोमा के भी रिपोर्ट सुनते हैं, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दूर दूर तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो सर आप जो कंस्ट्रक्शन साइट थी, आपने वहाँ पे विजिट करी सर, कितना प्रोग्रेस है? कंस्ट्रक्शन साइट हमने विजिट किया है, जो पहले था इसका सेंचुरियन को, तो आपका 12th फ्लोर रेडी है, बट उसमें कुछ टावर हैं, प्रोजेक्ट इज वेरी बिग, कुछ टावर हैं जो तैयार है। उसमें मेरा टावर ऑलरेडी 12th फ्लोर तक का हो चुका है, उन्होंने 12th फ्लोर तक की डिमांड ले ली। एक लास्ट इंस्टॉलमेंट रहती है जो टॉप फ्लोर का है, दैट इज 69। और जो हार्टबीट में है, हार्टबीट में भी 90% पेमेंट जा चुकी है, उसका भी टावर जो है 10th फ्लोर तक चल गया है, उसके बाद वो भी स्टॉप हो गया, अभी कोई साइड में काम नहीं हो रहा है। दो चार उनके स्टाफ हैं, इवन सेंचुरियन में तो भाई एक दो उनके वो गार्ड वार्ड बैठे हुए हैं, उनसे पूछो कोई जवाब नहीं देते, स्टाफ मिलता नहीं है, स्टाफ है ही नहीं वहाँ, उनने स्टाफ को शिफ्ट कर दिया है। सर आपने इसके आगे कोई लीगल स्टेप लिया हो, कोई केस के थ्रू? नहीं, अभी तो हमने कोई लीगल स्टेप नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि भी अकेला तो हम कहाँ लीगल स्टेप लेंगे, अकेला तो हो नहीं पाएगा जी, क्योंकि इनके भी लीगल एडवाइजर हैं, उनके ऑफिस जाओ तो हम बड़े मतलब प्यार से उनसे बात करते हैं, अदरवाइज उनके बाउंसर भी बैठे रहते हैं, ज्यादा तूता भी नहीं कर सकते हो जी। तो लीगल स्टेप हमने कुछ नहीं लिया है। और एक केस मेरा और है, जो मैंने अर्थ इंफ्रा में एक शॉप ली थी, वो ली थी 2012 में, तो वो शॉप पे उन्होंने 10% लिया था, उसके बाद ना तो आज तक वो शॉप बननी तैयार हुई, ना उसका कोई लेआउट, ना शॉप नंबर, कुछ भी नहीं दिया, अब वो उसके पैसे भी नहीं दे रहे हैं। वो भी मतलब ब्याज के 10% ऑलमोस्ट 255,000 रुपये गए हुए हैं और वो भी फंसा हुआ है। इसलिए आज की डेट में बिल्डर साइड में तो हम लोगों को कोई भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भी ये लोग, लगभग यही माना जा रहा है कि भी ऑलमोस्ट मोर देन 50% तो सब ऐसी है। सर अगर मैं आज की बात करूँ,
आज अगर वो बिल्डर कहता है कि ठीक है हम आपको आपका वो कुछ भी सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, तो आप क्या चाहते हैं सर? पैसा चाहिए पेनल्टी के साथ या फिर आपको पोजीशन चाहिए? हमें पैसा नहीं चाहिए और हमें तो डिलीवरी चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो एटलीस्ट जो मार्केट जो हम पे लगाते हैं, मैं 20% के रेट पर अपना पैसा वापस मांगूंगा एट द इंटरेस्ट ऑफ द 25-24% जो वो लोग ड्यू टू द डिले हमसे चार्ज करते हैं उसी पर लेंगे। ठीक सर। और सर अगर आम्रपाली के लिए आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं सर। अगर आप इन फ्यूचर कोई अगर आपके जानने वाले आम्रपाली में इन्वेस्ट करें तो कोई आप मैसेज देना चाहेंगे उनके? मैसेज तो यही है, हम तो सबसे यही कहेंगे भैया यूनाइटेड होने का टाइम आ गया, अब तो और कुछ हो नहीं सकता है। सब मिलके अगर कुछ करते हैं सारे, मैं भी कोशिश करूंगा कि भी मैक्सिमम जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े या सारे मिलके कुछ करो। इवन एक मेरे टेनेंट हैं फर्स्ट फ्लोर में, उन्होंने वो भी ऑलरेडी 2010 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था आम्रपाली ये सेक्टर 76 प्रिंसले स्टेट में। वो भी बेचारे फंसे हुए हैं, 90% पेमेंट हो गई उनकी जी, तो कुछ भी नहीं हो रहा उनका। अच्छा सर अगर आम्रपाली की बात करें तो आपने किस बिहाफ में मतलब आम्रपाली में इन्वेस्ट करा था 2010 में जब आपने करा था, किसी के थ्रू करा था या आपने खुद ही करा था? नहीं मैंने किया तो डायरेक्टली था, पर उसमें यह था कि भी आम्रपाली के बहुत सारे इधर प्रोजेक्ट चल रहे थे जी जी, और ये था कि भी उसमें तो उन्होंने काफ़ी स्पीड अप काम किया था, लग रहा था कि भी ये टाइमली डिलीवर कर देंगे। पर आज की डेट में नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में जितने भी इसके प्रोजेक्ट हैं आम्रपाली के, वो 2008 और 9 के आसपास ही सारे आए हुए हैं, उसमें से 2 या 3 प्रोजेक्ट ने डिलीवर किए, उसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया। तो ऐसी सारी समस्याओं का समाधान आप हम आपके सामने यूं ही लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए रियलिटी।